हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आकांक्षा ट्यूटोरियल्स। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आईलाइनर किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो आईलाइनर अप्लाई करना बहुत कॉमन हो गया है, सभी लड़कियों को आता है मैं जानती हूँ, बट अभी भी कुछ लड़कियां हैं जिनको थोड़ा सा डर लगता है या फिर उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होती है आईलाइनर अप्लाई करने में। तो आज की वीडियो में मैं कुछ अपना मतलब कैसे मैं किस तरह से आईलाइनर अप्लाई करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं, बस आपको फॉलो करने हैं, आपको आईलाइनर अप्लाई करने काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। वैसे इसमें प्रैक्टिस भी लगती है गाइज, ये मैं आपको बता दूँ। हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम में बिल्कुल मेरे जैसे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने विंग लाइनर लगाया है, तो मेरे जैसे आप ना लगा पाएं, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। जो भी टिप्स मैं आपको दे रही हूँ उसे बस आप फॉलो करिएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि फर्स्ट टाइम में ही परफेक्ट हो जाए, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लाइनर अप्लाई करना आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि टास्क नहीं है ऐसा कुछ। और लाइनर में जो अप्लाई करके दिखाऊंगी वो है लैकमे की इंस्टा लाइनर, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन लाइनर है, हर लड़की के पास होती है और बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे आती है। तो मैं इस तरह से ये विंग लाइनर कैसे मैंने ड्रॉ किया है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फिर भी अगर आप बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि आपको बिल्कुल लाइनर अप्लाई करने नहीं आता और कभी किया नहीं है, बिल्कुल जैसे ही लाइनर आप उठाते हैं आपके हाथ हिलने लगते हैं, शेक होने लगते हैं, अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आपको प्रॉब्लम होती है, तो मैं एडवाइस करूंगी कि आप पहले स्केच लाइनर से लाइनर अप्लाई करना स्टार्ट करिए। बहुत सारे मार्केट में स्केच लाइनर आप कह सकते हैं अवेलेबल हैं, ब्लू हेवन का आता है, स्विस ब्यूटी का आता है, इस तरह से बहुत सारे ब्रांड हैं। तो अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं लाइनर अप्लाई करना, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और ये वाला स्टेप आपको नहीं सूट कर रहा, मतलब आप पहले देख लीजिएगा जैसे मैंने आपको सिखाया है। अगर ये फॉलो कर सकते हैं और इसको फॉलो करके आपको ईजी होता है तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर इसको फॉलो करके आपको ईजी नहीं होता है तो मैं कहूँगी कि आप 6-7 महीने के लिए स्केच लाइनर अप्लाई करना पहले स्टार्ट करिए। स्केच लाइनर अप्लाई करते करते आपको आदत हो जाएगी तो फिर आप इसे भी अप्लाई कर पाएंगे। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको इस तरह से बताऊँ कि आप आराम से इससे ही लाइनर अप्लाई करना सीख जाएं। तो गाइस, सबसे पहले बता दूं कि जब भी आप लाइनर अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे अपने हाथों को कहीं पे रख दीजिएगा, जैसे कि आपका ड्रेसिंग टेबल हो सकता है, कोई भी टेबल हो सकता है, उसे इस तरह से रख के ताकि आपके हाथ ज़्यादा हिले ना, ये आपका बैलेंस होना चाहिए वरना काफ़ी शेक होता है हाथ। तो इसको कहीं पे अच्छी जगह रख के टिका कर उसके बाद फिर लाइनर अप्लाई करिए। तो चलिए देखते हैं कि मैंने लाइनर को कैसे अप्लाई किया है। सबसे पहले मैं ले रही हूँ आईलाइनर, आप देख सकते हैं, और इसकी टिप मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह की है। पतली सी टिप है, जी हाँ, और ये बहुत अफोर्डेबल लाइनर है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, कुछ इस तरह की टिप है। बट जो भी एक्सेस प्रोडक्ट इसमें आया है या किसी भी लाइनर में आया है उसे हम निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपको अभी नहीं लेने हैं, बिल्कुल जो ब्रश पे रहते हैं हल्का सा बस वही लेना है और उससे ही पहले लाइनर ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हाफ ऑफ द आइज़, मतलब आइज़ के हाफ पार्ट से आपको लाइनर यहाँ पर ड्रॉ करना है, धीरे धीरे हल्के हाथों से रुक रुक के करना है। और क्योंकि आपके मतलब ब्रश में प्रोडक्ट बहुत कम है तो वैसे कुछ भी मेस क्रिएट ज़्यादा नहीं होगा, हल्के हाथों से लाइनर ड्रॉ करिए और कुछ इस तरह से साइड से आपको विंग अपने आइज़ के अकॉर्डिंग इस तरह से पहले निकाल लेने हैं, बस इतना ही आपको करना है। और लाइनर दोबारा नहीं लेना है, ये मैं आपको बता दूँ, इसी को आप रिपीट कर सकते हैं अगर थोड़ा सा और मोटा अभी करना चाहते हैं तो, बट अभी मत करिए। पहले स्टार्टिंग से जो लाइन है उसे खींच कर बीच वाली लाइन से जोड़ेंगे हम, स्टार्टिंग मतलब आइज़ के कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे उसी लाइनर ब्रश से, मतलब और लाइनर हमने नहीं लिया है। इससे क्या होगा कि प्रोडक्ट तो बहुत कम है बट एक अच्छा सा आप कह सकते हैं कि आउटलाइन ड्रॉ हो जाएगा और फिर उसके ऊपर आप इसे और ज़्यादा डार्क कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से विंग निकाल सकते हैं और नीचे वाली एरिया जो है आपके आईलैशेस की उसे जोड़ सकते हैं। और दोबारा मैंने अब लाइनर ले लिया है, अब अच्छे से जो मैंने अप्लाई किया था उसे ही दोबारा रिपीट करूँगी, और थोड़ा सा मोटा करना होगा या फिर ब्रॉड करना होगा तो वो करूँगी, डार्क करूँगी। ये बहुत ही अच्छी टिप है गाइस, सबसे पहले बहुत ही कम प्रोडक्ट लेकर ब्रश में उसका पूरी लाइनर ड्रॉ कर लीजिए, पतली सी, जितनी पतली हो सके, और साइड से विंग तो आप अपने आइज़ के शेप के अकॉर्डिंग ही आराम से निकाल लेंगे, साइड से थोड़ा सा बढ़ेंगे और नीचे वाली जो लैस लाइन है उससे ऊपर की ओर जोड़ते हुए कर लेंगे, और फ्रंट में भी आइज़ के कॉर्नर में भी यहाँ पे थोड़ा सा लाइनर निकाल लेंगे और ये लाइनर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। होप गाइज आप समझ गए होंगे कि ये लाइनर अप्लाई करना कितना ज़्यादा इजी है, ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप धीरे धीरे हर रोज़ एक बार ट्राई करिए, एक महीने में आप अच्छा खासा लाइनर अप्लाई करना सीख जाएंगे इन टिप्स को ही फॉलो करके जो मैंने आपके शेयर किए या फिर मेरी तरह ही अप्लाई करके। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अच्छा है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।